बात करते हैं बिहार की, जहां एक दिन में कोरोना की मौत के आंकड़ों में 73% की बढ़ोतरी के बाद नीतीश सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश सरकार बिहार में कोरोना से मौत का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी फर्जी होंगे। तेजस्वी ने ये आरोप भी लगाया कि फंसने के बाद नीतीश सरकार ने अचानक एक दिन में मौतों की संख्या में 4000 का इजाफा कर दिया। बिहार में 7 जून तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 5424 बताया गया था, जिसे बढ़ाकर 9375 कर दिया गया है, यानी एक दिन में मौत का आंकड़ा 3951 बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हो गई, कुछ मरीजों की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई और कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई। जांच के बाद ऐसे सभी मामलों को जोड़ा गया है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 15 से 20 दिन की प्रक्रिया के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ाया गया है। इनका यह आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा 15-20 दिन में यह पूरा प्रक्रिया किया गया। एक दिन में कैसे पता लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई जिलाधिकारियों ने संस्थागत। मैंने जो बातें कही उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल थे, DCHC था, कई संस्थान थे जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूं, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता। अब मंत्री जी चाहे कुछ भी लीपापोती करें, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आंकड़ों की सही रिपोर्टिंग नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत से बात की ABP न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। कोरोना से हुई मौत को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, आंकड़ों में अचानक इजाफा को देखते हुए हमारे साथ हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत जी। पहला सवाल ये है कि ये जो आंकड़े अचानक 73% बढ़ गए, इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है। इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही थी, मौत पर बाजीगरी हो रही थी, क्या सच्चाई है? पहली बात कि ये एक दिन का ये आंकड़ा नहीं है और जो इजाफा हुआ है मुख्य रूप से ये सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट रही है कि किसी भी प्रकार के आपदा में, जैसा कि आप जानते होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट अभिमत है और उनकी यह धारणा है कि आपदा पीड़ितों का पहला हक राज्य के खजाने का है और इस दृष्टिकोण को देखते हुए जब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में हम लोगों को सूचना मिली थी 15-16 मई के आसपास तो हम लोगों ने एक मीटिंग कर ये निर्णय लिया था कि सभी जिलों में क्यों नहीं हम लोग इसको एक बार दोबारा गहन जांच करा लें ताकि कोई भी पीड़ित परिवार किसी भी इस प्रकार की एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो हम 4 लाख रुपए का करते हैं उससे वंचित ना रहे। और ये कल जो आंकड़ा हम लोगों ने रिलीज़ किया है जिलावार, ये मृत्यु कल नहीं हुई है, परसों नहीं हुई है, ये तमाम आंकड़ों हम लोगों ने कहा था आप सत्यापित कर लीजिए, चाहे वो मार्च के हों, चाहे अप्रैल के हों, मई के हों, ताकि कोई भी वैसा परिवार वंचित ना रहे। और कल भी हम लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई और भी छूट गया हो तो वो अपनी सारी जानकारी, सभी जिला पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप इस पर निरंतर अपनी पैनी नज़र रखें और कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तत्परता पूर्वक करें क्योंकि यह अत्यंत ही संवेदनशील बात है। और इस क्रम में अगर
हम लोग उसको भी चिन्हित कर रहे हैं कि कहां पर इस तरह की लापरवाही हुई है, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित कर हम अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा अल्टीमेट जो लक्ष्य है कि कोई भी वैसा परिवार। अब कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा है। वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि आरजेडी लाश की राजनीति करती है। न्यायालय के फटकार के बाद और नेता प्रतिपक्ष लगातार जब सवाल खड़े कर रहे थे, जो मौत के आंकड़ों के लिए जांच सरकार ने कराई, उसमें तो स्पष्ट आ गया कि सरकार ने जो पहले आंकड़ा बताया था उसमें भारी अंतर है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। इस डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग पहले तो कोरोना जांच के नाम पर घोटाला में पकड़े गए, अब इस मौत के आंकड़ों के घोटाले में एक्सपोज हो गए। 50,000 से ऊपर मौत बिहार में हुई, आप उसको अभी भी छुपा रहे हो। कल तक जो आंकड़े इन्होंने जारी किए हैं सरकार की तरफ से, 72% आंकड़े अभी भी सरकार छुपा रही है। और यह नीतीश कुमार जी को और मंगल पांडे को बताना पड़ेगा कि आखिर ये हेराफेरी क्यों कर रहे हैं आप। कोरोना को लेकर भी हेराफेरी क्यों? जो लोग ऊपर चले गए, जिनकी मौत हो गई, उनकी संख्या क्यों नहीं बता रहे हो? एक्यूरेट संख्या क्यों नहीं बता रहे हो? मैं समझता हूँ बड़ा घालमेल है, इसकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी आदत है कि लाश पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करनी पुरानी आदत है इनका। जो मौत का आंकड़ा आया जिला से, उसमें त्वरित कार्रवाई की गई। इनके नेता तो ट्विटर पर हुआ है, इनका ट्वीट से राजनीति शुरू होता है, ट्वीट से खत्म होता है। हम लोग कोई आंकड़ा छिपाते नहीं, जो मौत का जो सही आंकड़ा है और जहाँ गड़बड़ हुआ उसको जाँच का आदेश दिया गया, जाँच हो रही है, अगर उसे पकड़े जाएंगे उस पर कार्रवाई। ABP News, आपको रखे आगे।